हेलो बच्चों, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना यार, वो बहुत बेसिक सा चैप्टर है, उसमें बहुत कुछ बताने को है भी नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आज मैं उस फिज़िकल वर्ल्ड को ख़त्म कर दूँ और उसके बाद जो हमारा रियल फर्स्ट चैप्टर है उससे मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। तो उसमें कोई ज़्यादा टेस्ट लेने को है ना, कुछ ज़्यादा बताने को है, यानी पूरी फिज़िक्स के बारे में आप बच्चों को बताते हो और जितना तुम्हें जानना चाहिए उतना मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर है नहीं कुछ कि फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा माथापच्ची करें, जितना आपको बताया है वो आप लोगों के लिए सफिशेंट है। आज मैं कुछ रूल्स आप लोगों को बताऊँगा और उसके बाद हमारा फिज़िकल वर्ल्ड का जो काम है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। और फिर जो हमारा रियल फर्स्ट चैप्टर है, जो एक्चुअल में हमारा पहला चैप्टर है ना बेटा, यूनिट मेजरमेंट एंड एरर, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हमारे स्कूल एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है और उसके जो पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, पूरी कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझ में आया हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में काम करने वाला अट्रैक्शन है, बहुत ही वीक फोर्स होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है और यूनिवर्स में जितने भी फिनोमिना होते हैं उन सब के पीछे यही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बेटा जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बेसिकली क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करते हैं वो एक बहुत बेसिक सी बात हम पढ़ते आ रहे हैं ना, कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। वो जो प्लस प्लस के बीच में फोर्स काम करता है या प्लस माइनस के बीच में फोर्स काम करता है, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। होप सो कि आपको बात समझ आई हो, उम्मीद आप लोगों से हमें यही है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमें समझ नहीं आया, वीक न्यूक्लियर समझ नहीं आया। कोई समस्या नहीं है भाई, हम समझाएंगे क्यों नहीं समझ में आया। देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली क्या है, आप इस एटम को देखो बेटा, ठीक है, आप इस एटम को देखो और यह है आपके पास में न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपके पास में न्यूक्लियस है। ये जो वाइट वाले हैं आपके पास में ये हैं प्रोटोन, प्रोटोन, और ये जो रेड वाले हैं ये हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इनके बीच में जो फोर्स काम करता है, प्रोटोन प्रोटोन के बीच में जो फोर्स काम करेगा, प्रोटोन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम करेगा और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम करेगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी न्यूक्लियस को स्टेबल बनाए रखने के लिए, न्यूक्लियस को ऐसा बनाए रखने के लिए कि न्यूक्लियस के अंदर अनस्टेबिलिटी ना आए। अब आप कहोगे कि सर अनस्टेबिलिटी क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा स्टेबिलिटी क्या है और अनस्टेबिलिटी क्या है। देखो बेटा, आप लोग जानते हो कि भैया न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटोन और न्यूट्रॉन, यहाँ भी प्रोटोन, यहाँ भी प्रोटोन, यहाँ भी प्रोटोन, यहाँ भी प्रोटोन, न्यूट्रॉन भी है इसके अंदर। ये प्रोटोन इस प्रोटोन को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये प्रोटोन इस प्रोटोन को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर की कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रोटोन प्रोटोन एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि उनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस का जो साइज है ना, न्यूक्लियस का साइज वो कॉन्टीन्यूअसली बढ़ना चाहिए, जो न्यूक्लियस का साइज है वो कॉन्टीन्यूअसली बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, क्या ऐसा है? ये मार्कर है, मार्कर के अंदर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा होता तो जब मार्केट से मैं मार्कर को खरीद कर लेकर आता तब तो इसका साइज इतना होता, और जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता तो मार्कर का साइज इतना बड़ा हो जाता क्योंकि न्यूक्लियस बढ़ता, न्यूक्लियस के अंदर रिपल्शन होता, न्यूक्लियस का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता जिसकी वजह से मार्कर का साइज बढ़ जाता। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रोटोन और प्रोटोन के बीच में जो रिपल्शन काम करता है
न्यूट्रॉन बीच में आकर उस रिपल्शन को बैलेंस कर लेता है और न्यूक्लियस को स्टेबल बनाए रखता है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो हम कुल मिलाकर ये डेफिनेशन कहेंगे कि प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम करेगा वही फोर्स हमारा कहलाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये फोर्स सिर्फ इसलिए काम करता है जिससे कि ये न्यूक्लियस के साइज को बढ़ने से रोक सके, न्यूक्लियस के साइज को बढ़ने से रोक सके और न्यूक्लियस को स्टेबल बनाकर रखे, न्यूक्लियस को स्टेबल बनाकर रखे। ये एक बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है बेटा। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब ये होता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का जो गैप होता है ना वो बहुत कम गैप होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। अब आप बताइए कि आपको डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई। डेफिनेशन में आप ये कहोगे कि सर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन भी काम करेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स काम करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स काम करेगा। वो फोर्स जो इन पार्टिकल्स के बीच में काम करे और न्यूक्लियस को स्टेबल बनाकर रखे, बस वही फोर्स हमारा न्यूक्लियर फोर्स कहलाएगा और वो इस पूरे न्यूक्लियस को स्टेबल बनाकर रखेगा। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आई हो और कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोगों को ना हो। ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स है और सबसे मजबूत फोर्स होता है बेटा ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ कि वीक न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। देखो मान लो कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन है, ये हमारे पास में न्यूट्रॉन है, ये 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 हमारे पास में प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है। ये रेड वाला प्रोटॉन है और ये जो ब्लैक वाला है ये न्यूट्रॉन है हमारे पास में, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, जब ये अनस्टेबल होता है ना, क्या होता है अनस्टेबल, जब ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल अनस्टेबल माने बोले तो जब ये गुस्से में होता है, ठीक है, तो ये अपने अंदर से रेडिएशन बाहर निकालता है। रेडिएशन जब रेडिएशन इसके अंदर से निकलता है तो रेडिएशन में जो पार्टिकल बाहर निकलते हैं उन पार्टिकल का नाम होता है इलेक्ट्रॉन यानी ई माइनस यानी ई प्लस। बात समझ में आ रही है? देखो जब ये अनस्टेबल है इसने अपने अंदर से रेडिएशन बाहर निकाली, रेडिएशन बाहर निकाली बेटा, रेडिएशन, रेडिएशन में कौन बाहर निकला, रेडिएशन में बाहर निकला इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन और ये है पॉजिट्रॉन, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन और इसका नाम है पॉजिट्रॉन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब न्यूक्लियस क्या करता है कि ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस इसके और इसके बीच में एक फोर्स काम करता है, इसके और इसके बीच में एक फोर्स काम करता है, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब दोबारा से आप सुनिए, जब न्यूक्लियस होता है अनस्टेबल उसके अंदर से निकलती है रेडिएशन बाहर, रेडिएशन में बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये सभी बातें आगे चलकर आपके सिलेबस में आएंगे जहां आप सीखेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, तो ये पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है अपने पास बुलाने के लिए, बस उसी फोर्स को हम नाम देते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी आप ये समझिए जब इनके अंदर ही अंदर फोर्स काम करेगा, इनके अंदर ही अंदर फोर्स काम करेगा वो तो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जब इसके और इसके बीच में फोर्स काम करेगा उसे हम नाम देंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब बेटा चारों फोर्सेस की डेफिनेशन, चारों फोर्सेस की डेफिनेशन और आप लोगों को उसका मतलब मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास में चार हैं, एक का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स, तीसरे वाले का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथे वाले का नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वैसे तो इनके बारे में ये जो जानकारी है ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी, लेकिन अब मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ। जानकारी बेटा ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे कमज़ोर फोर्स होता है,
ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है, उसके बाद नंबर आता है वीक न्यूक्लियर का, उसके बाद नंबर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, और सबसे कम जो मजबूत फोर्स है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। लो बेटा, यह है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स और यह है हमारे पास में मोस्ट वीक फोर्स, सबसे कमज़ोर फोर्स हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है। उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे। अगर मैं इनका रेशो बनाऊँ तो रेशो क्या बनेगा, ग्रेविटेशनल रेशो वीक न्यूक्लियर रेशो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेशो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इज इक्वल टू 1:10^25 / 10^34 / 10^38। ये रेशो बनेगा बेटा हमारे पास में। जैसे कभी कभार क्वेश्चन आपके पास में बना कि भाई आप इन दोनों का रेशो बताओ कितना होगा, इन दोनों का रेशो ग्रेविटेशनल और वीक न्यूक्लियर का रेशो क्या होगा, तो बेटा ग्रेविटेशन के रेशो में क्या है 1 और वीक न्यूक्लियर के रेशो में क्या है 10^25। आपके पास में बना कि आपको इन दोनों का रेशो बताना है क्या होगा, इन दोनों का रेशो क्या होगा, इन दोनों का देखो ऊपर है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और नीचे है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी 10^34, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर यानी 10^38। डिवाइड करेंगे तो बचेगा 10^4, ये रेशो बनेगा हमारे पास में। बेटा उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। मान लो कि इन दोनों के बीच में आपसे रेशो पूछा है, इन दोनों के बीच में वीक न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बीच में आपसे रेशो पूछ लिया, तो आप लिखोगे वीक न्यूक्लियर रेशो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज इक्वल टू वीक न्यूक्लियर 10^25, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10^34। रेशो निकालोगे तो बनेगा 1/10^9। इस तरीके से आप बनाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन ना बेटा आप लोगों से ज़रूर पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछा जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स जो मासेस के बीच में काम करता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है और सबसे वीक फोर्स है। वीक न्यूक्लियर न्यूक्लियस और रेडिएशन के बीच में जो काम करता है, वीक न्यूक्लियर न्यूक्लियस और रेडिएशन के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसे हम नाम देंगे वीक न्यूक्लियर। उसके बाद में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चार्जेस के बीच में प्लस 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 माइनस 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 के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को स्टेबल बनाए रखने के लिए प्रोटोन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ये सबसे मजबूत फोर्स है, ये सबसे कमज़ोर फोर्स है और इनका जो रेशो है वो ये है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। कभी कभार इस तरीके की प्रॉब्लम इसके अंदर से पूछ ली जाती है बेटा, ठीक है। आप लोग नोट करिए, फिर मैं आप लोगों को आगे बताना स्टार्ट करता हूँ। हाँ भाई बच्चों, समझ आया ना? अब भूलना नहीं है, चारों डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में और सबसे पहले है हमारे पास में, आप हेडिंग लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशंस या कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन लॉज, ठीक है, कंजर्वेशन लॉज। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ बेटा कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तो ये समझ लो कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना था कि भाई फिज़िक्स क्या होती है, साइंस क्या होती है,
कौन से साइंटिस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिजिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं, समझ में आ रही बात, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेशन क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये सभी बातें आप आगे चलकर चैप्टर्स में बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे। बहुत सारे टीचर तो ऐसे हैं जो इस चैप्टर को पढ़ाते ही नहीं हैं। हमने सिर्फ आप लोगों को इसलिए पढ़ा दिया कि भाई आप लोगों को इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो इनके बारे में हम बहुत डिटेल्ड में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब इनकी बारी आएगी, जब इनके चैप्टर्स की बारी आएगी, वहाँ हम डिटेल्ड में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ हमें आधी चीज़ें पता हैं, आधी चीज़ें नहीं पता है, मतलब आप लोगों को आधी चीज़ें पता हैं और आधी चीज़ें नहीं पता है, तो समझने में बहुत परेशानी होगी। तो आप लोगों का काम इतना है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को आप ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में आप डेफिनेशन को नोट करिए। तो बेटा, जो सबसे पहले हमारे पास में आता है वो है कंजर्वेशन लॉज। नंबर वन है हमारे पास में कंजर्वेशन लॉज। अब कंजर्वेशन लॉज में हम कैसे कैसे लॉ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कभी नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इन सभी लॉ के अंदर एक कॉमन बात है और वो ये है कि इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू के इक्वल होगी, बस। इसके अलावा कोई नई डेफिनेशन इसके अंदर नहीं है। जैसे मान लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हम कई बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। बहुत डिटेल्ड में नहीं जाना है अभी बहुत डिटेल्ड में नहीं जाना है, आगे चलकर खूब डिटेल में जाएंगे, खूब 500-600 क्वेश्चन लगाएंगे बढ़िया करके, ठीक है? नहीं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली क्या है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। समझ में आ रही बात? यानी एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ डेफिनेशन की बात करूँगा। जैसे मान लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, किसी भी रिएक्शन के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी भी फिजिकल रिएक्शन के दौरान, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, जितना मास रिएक्टेंट का होगा बिल्कुल उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी मास हमारा कंजर्व रहेगा। उसके बाद में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम का जो वेपन है ना, ये इतना शानदार है हमारे पास में बेटा। आप ये समझो कि हम फिजिक्स की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम, देखो एक बहुत महान साइंटिस्ट हैं इंडिया के, आर के वर्मा साहब, वो ये कहते हैं कि वॉट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स है क्या? फिजिक्स कुछ नहीं है, द स्टडी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की स्टडी ही फिजिक्स है, एनर्जी के बारे में पढ़ना ही फिजिक्स है। अगर आप लोग एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं और एनर्जी सही तरीके से आपको अप्लाई करनी आ जाती है, तो फिर हर चैप्टर को अलग अलग फार्मूले से सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कम से कम 11th क्लास में तो हर एक क्वेश्चन को एनर्जी के कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर पाएंगे, और यही हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी के कॉन्सेप्ट से आपको किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बेटा, ठीक है? तो सबसे पहला हो गया हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप इसके अंदर लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीन पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री, ठीक है? एनर्जी ना बनेगी ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी, ठीक है बेटा? आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या किसी भी फिजिकल रिएक्शन के दौरान जो मास रहेगा वो कंजर्व रहेगा, या आइंस्टीन के हिसाब से हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर बेसिकली आप क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में सिर्फ आप इतना लिखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितना मास
रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, यानी मास जो हमारा केमिकल या फिजिकल रिएक्शन के दौरान रहने वाला है वो कंजर्व रहने वाला है। या आइंस्टीन के हिसाब से मास और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है वो है ये। कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, हालांकि मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये सभी चीज़ें आप आगे चलकर पढ़ेंगे बेटा, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर दबाव नहीं डाल रहा हूँ। आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए, बस जैसे मैं बताकर चल रहा हूँ, E=mc2। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कोई नई बात सीखने की नहीं है इसके अंदर, और ये सारी बातें आगे आने वाली हैं हमारे पास में। इसके बाद में है बेटा हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि लीनियर मोमेंटम है क्या। लीनियर मोमेंटम होता है P=mv, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम के कंसेप्ट के मुताबिक इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, अगर सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तो। यानी अगर मैं बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहने वाला है बेटा। आप इसकी भी डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ इसे एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बेईमानी होगी, हम यहाँ इसे नहीं समझा सकते हैं, हम आगे चलकर ही इसे एक्सप्लेन करेंगे तभी आप समझ भी पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में है बेटा हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें ये डेफिनेशन आप नहीं लिखेंगे, ये डेफिनेशन आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, बस इतना ही आप लोग लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, टोटल एक्सटर्नल रोटेटिंग फोर्स इज जीरो, रोटेटिंग फोर्स इज जीरो, आप इतना लिखेंगे बेटा और कुछ नहीं लिखेंगे आप लोग। जितना मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आप लिख कर चलिए अपनी कॉपी के अंदर। तो एक तो हो गया बेटा हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ना तो एनर्जी बनेगी ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होगी। एक हो गया हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन के दौरान मास जो है वो कंजर्व रहेगा, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। हाँ, आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ इक्वेशन E=mc2। थर्ड था हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में क्या होता है कि बॉडी एक सीधी डायरेक्शन में जाती है, एक सीधी डायरेक्शन में मूव करती है, बिना घूमे सीधी डायरेक्शन में जाती है। वहाँ हम लिखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, अगर बाहर से मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया है तो। और ऐसे ही यहाँ होता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा, अगर बाहर से हमने कोई रोटेटिंग फोर्स नहीं लगाया है तो। ठीक है, तो ये पूरी कहानी बेटा हमारी रहने वाली है। बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वाली बात नहीं है इसके अंदर। चलिए बेटा, तो अब इसके साथ हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। हमने लॉज ऑफ कंजर्वेशन में आपको बता दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फोर्सेस के बारे में हमने आपको बता दिया है, बता दिया है ना बेटा फोर्सेस के बारे में। फिजिक्स की ब्रांच हमने आपको बता दी है, साइंस क्या है, साइंस कहाँ से आया हमने इसके बारे में आपको बता दिया है,
कौन से साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ये हमने आपको बता दिया है, यूनिफिकेशन क्या है, रिडक्शन क्या है ये हमने आपको बता दिया है। तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड का टॉपिक था हमारा, ये अब हो गया है बेटा ख़त्म। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके स्कूल एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाए, ये तो बहुत बेसिक और बहुत माइनर सा टॉपिक है। ये सिर्फ इसलिए डाला गया है कि आपको थोड़ा सा फिज़िक्स के बारे में जानकारी हो। अब आप ये समझिए, जो रियल क्लास हमारी फिज़िक्स में स्टार्ट होने वाली है वो कल से स्टार्ट होने वाली है। अब तक तो हमने पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा और अब हमने फिज़िक्स के बारे में थोड़ा सा जान लिया कि फ़िज़िक्स क्या है, साइंस क्या है, फिज़िक्स की कितनी ब्रांचेज है, फिज़िक्स कहाँ से आया, फ्यूजेस से आया जिसका मतलब नेचर है, फिज़िक्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक मैक्रोस्कोपिक एक माइक्रोस्कोपिक, जिसे हम मैक्रोस्कोपिक को क्लासिकल फिज़िक्स भी बोलते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें, साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन वगैरह मैंने आप लोगों को बताए, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया, कंजर्वेशन क्वांटिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स हो गया है बेटा फिनिश। कल से हमारा रियल चैप्टर स्टार्ट होगा, जो हमारे सिलेबस का चैप्टर है, जो हमारे स्कूल एग्ज़ाम में, जो हमारे नीट एग्ज़ाम में, जो हमारे जेई एग्ज़ाम में हम लोगों से पूछा जाएगा। चैप्टर का नाम है यूनिट मेजरमेंट एंड एरर, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा, आप लोगों से अब कल मिलेंगे हम लोग।